रबदल स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर ने मां की जोखिम भरी डिलीवरी के बाद बच्चे की जान बचाई है, जिसके लिए यहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद प्रसव के बाद बिना हिले डुले जीवन रक्षक प्रक्रिया का पालन कर बच्चे को आपात स्थिति से बचाया। दाहोद के मुआवलिया में एक गर्भवती माँ जो दिन पहले एक निजी अस्पताल में जांच के लिए गई थी, जिसमें जांच में पता चला कि बच्चा उल्टा है। आमतौर पर बच्चे के पैदा होने पर सिर बाहर आ जाता है, लेकिन यह बच्चा थापा जैसा था। एक गर्भवती माँ का पहली बार माँ बनना माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी खतरनाक था। एक निजी अस्पताल में बताया गया कि बच्चा एक्टिव हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बाकी ऑपरेशन से बच्चे को उठाना होगा। गर्भवती महिलाओं को उनके परिजन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र रबतल लेकर आए। वहां एनपीएससी के रूप में कार्यरत प्रदीप भाई पांचाल ने गर्भवती मां की सोनोग्राफी रिपोर्ट को अध्ययन किया, जिसमें बच्चे और मां की बर्थ कैनाल का व्यास क्रॉस चेक किया गया। उसके बाद गर्भवती मां के परिवार के सदस्यों को मां और बच्चे की स्थिति के बारे में सूचित किया गया और मां और परिवार की सहमति लेने के बाद मां को वैकल्पिक जन्म की स्थिति के बारे में समझाया गया। प्रसव के समय तो प्रसव सफल रहा, लेकिन प्रसव के बाद बच्चे की कोई हरकत नहीं देखी गई। तब प्रदीप पांचाल और खिलान प्रजापति ने जीवन बचाने की प्रक्रिया की और बच्चे को स्थिर किया और उसे मौत से बचाया और बच्चे को आगे के इलाज के लिए 108 के माध्यम से जाइट्स मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बच्चा स्वस्थ है और उसे नियंत्रण में रखा गया है।